चनेश की अच्छी गेंद और इसी तरह से बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ते हुए चार रन के लिए बाहर। पहले गेंद पर बाला ने चौका मारा है। अग्नि गेंद लेके बागो बाग की अच्छी शॉट लेकिन फील्डर उसके नीचे और आसान से कैच, बहुत ही अच्छी कैच वहां पर फील्डर की और शानेश ने तीसरे बॉल पे पहली विकेट। पहले ही बॉल पे चौका दिया था शानेश ने, दूसरी बॉल पे डॉट और तीसरी गेंद पर विकेट हासिल किया शानेश ने और देखते हैं चौकी चौथी गेंद पे शानेश क्या करता है। सामना करेंगे भारत। बहुत अच्छी गेंद शानेश की, वहां पर फील्डर उसके नीचे और आसान सी कैच, दो गेंदे पे दो विकेट हासिल किया शानेश ने। बहुत अच्छी बॉलिंग यहां पर शानेश की। सामना करेंगे अमर। बहुत अच्छी बॉलिंग शानेश की, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन दो फील्डर के बीच में से गुजरती हुई बॉल चार रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत अच्छी तरह से खेला हुआ ये शॉट अमर ने चार रन के बाहर। आखिरी गेंद शानेश की, सामना करेंगे भारत सॉरी अमर। वहां पर अमर की अच्छी शॉट, बॉल सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ते हुए वहां पर चार रन। एक भारत और बाला की नाम से
गेंदबाजी करेंगे ईश्वर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट करेंगे बॉलर ईश्वर की पहली गेंद और पहले गेंद पर वाइड करा दिया एम्पायर ने। वहां पर प्रशांत की अच्छी शॉट, 6 रन के लिए बार सीधी छक्का यहां पर ईश्वर को और इस 6 के बाद स्कोर जा पा चुका है 19 रन। बहुत ही अच्छी बैटिंग यहां पर प्रशांत की। ओ यहां पर बहुत ही बढ़िया कमबैक करते हुए ईश्वर दूसरी बॉल डॉट करा दिया है प्रशांत को। देखते हैं अगली गेंद पर क्या कर पाते प्रशांत। अगली गेंद ऑफसाइड की तरफ बाहर रखते हुए सिर्फ 1 ही रन निकालने में कामयाब। बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हुए यहां पर ईश्वर अपने टीम के लिए। आखिरी 3 गेंदे ईश्वर की अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद डॉट कराते हुए अमर को। बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए ईश्वर अपने टीम के लिए और सिर्फ 4 बॉल के बाद स्कोर दिया है ईश्वर ने 8 रन। बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हुए अपनी टीम के लिए ईश्वर। आखिरी 2 गेंदे अमर तैयार। बहुत अच्छी शॉट लेकिन बॉल हवा की तरफ बढ़ते हुए फील्डर उसके नीचे और ये आसान सी कैच यहां पर ईश्वर बहुत अच्छा बॉलिंग करते हुए अपने टीम के लिए। बीस रन बहुत ही अच्छा बॉलिंग यहां पर ईश्वर की अपने टीम के लिए। सिर्फ 8 रन देते हुए पहले ओवर में 12 जरूर निकाला था शानिश को और दूसरी ओवर में सिर्फ 8 रन देते हुए अपने टीम के लिए ईश्वर बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए अपने टीम के लिए। और अगला गेंदबाज करेंगे राजी, सामना करेंगे शुभम। ये उड़ा 6 रन के लिए बाहर शुभम की बल्ले से। बहुत ही अच्छी शॉट यहां पर शुभम की और इसी 6 रन के बाद स्कोर जा पा चुका है 26 रन। बहुत अच्छी शॉट, 2 फील्डर के बीच में से निकलती हुई गेंद 4 रन के लिए बाहर और इस 4 रन के बाद स्कोर जा पा चुका है 30 रन।
शुभम बढ़िया फॉर्म में नजर आते हुए वहां पर फील्ड पर, दो गेंदों में 10 रन बनाते हुए अपने टीम के लिए। बहुत ही अच्छा वेल लेफ्ट वायर की तरफ, शुभम तैयार और बहुत ही अच्छी गेंद यहां पर रोजी की, सिर्फ एक ही रन निकालने में कामयाब और इसी एक रन के बाद स्कोर जा पा चुका है 32। रजित तैयार, सामना करेंगे प्रशांत, बहुत ही अच्छी गेंद, सिर्फ एक ही रन निकालने में कामयाब। ओ यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन और इस 33 नंबर को एक मैजिकल फिगर माना जाता है इस ग्राउंड पर। देखते हैं सामना करेंगे शुभम और 33 पर सिर्फ बहुत ही अच्छी शॉट खेली है, सिर्फ एक ही रन निकालने में कामयाब और इस एक रन के बाद स्कोर जा पा चुका है 34 रन 34 रन। प्रशांत की अच्छी शॉट लेकिन वहां पर फील्डर बॉल रोकते हुए सिर्फ एक ही रन दिया है अपने टीम के लिए और 3 ओवर के बाद स्कोर जा पा चुका है 35। सामना करेंगे प्रशांत, अब तक प्रशांत ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की अपनी टीम के लिए। प्रशांत की अच्छी बैटिंग लेकिन सिर बॉल डॉट कराते हुए, उसी बीच गुरु की बढ़िया बॉलिंग वहां पर। प्रशांत का अच्छी शॉट, इसकी कलाया में कला, 6 रन के लिए बार सीधी, 6 रन के लिए बार, बहुत और फील्डर उसके नीचे, ये क्या हो, ये तो 6 रन सीधा बाउंड्री लाइन के बार, बहुत अच्छी शॉट प्रशांत की और इसी छक्के के बाद स्कोर जा पहुंच चुका है 47। तीन गेंदे और 12 रन दिए गुरु ने, देखते हैं आखिरी तीन गेंदों पे गुरु क्या कर पाते हैं। प्रशांत तैयार, गुरु को बहुत अच्छी शॉट प्रशांत की लेकिन फील्डर उसके नीचे, बहुत आसान सी कैच पकड़े वहां पर फील्डर ने और इसी तरह से गुरु ने बहुत ही बढ़िया कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए 2 छक्के देके 1 विकेट हासिल की है। वहां पर शुभम तैयार और वहां पर कैच मिस करते हुए 2 रन चुराने में कामयाब, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स।
आखिरी ओवर की आखिरी गेंद और स्कोर जा पहुंच चुका है 49। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए गुरु अपने टीम के लिए, शुभम तैयार। और ये वाइड, स्कोर जा पहुंच चुका है 50 रन इस वाइड के बाद। बहुत अच्छी शॉट शुभम की, देखते हैं एक रन निकाल में कामयाब। दूसरी रन के लिए भागते हुए रन आउट का चांस और इसी बीच रन आउट होते हुए और जीतने के लिए सिर्फ 52 रनों का लक्ष्य किलर वेल्स को। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए किलर वेल्स अपनी टीम के लिए। अगली मैच खेली जाएगी ब्लैक कैप्स वर्सेस जो है वो ब्लैक कैप्स वर्सेस सातरी के बीच। मैं दोनों कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि टॉस के लिए आ जाए। मेरे ख्याल से सातरी का कप्तान यहां पर ही है पेंडल में और ब्लैक कैप्स के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि टॉस के लिए आ जाए। जीतने के लिए 52 रनों का लक्ष्य किलर विल्स को। किलर विल्स के दो सलामी बल्लेबाज शानेश और रॉजी। चौबीस गेंदों में 52 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है सिटी थंडर ने किलर व्हेल्स को और पहले ही गेंदबाजी करेंगे। पहले ही गेंदबाजी करेंगे नितेश। स्ट्राइक पर है शानेश और नॉन स्ट्राइक लेंगे रॉजी। पार्टन और आवेडम बॉयज के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि टॉस के लिए आ जाए। अगली मैच खेली जाएंगी वो स्पार्टन वर्सेस आवेडम बॉयज और इसी बीच नितेश तैयार। पहले ही गेंद पे बहुत ही अच्छी बॉलिंग वहां पर नितेश की और शानेश पहले ही बॉल पे अपनी विकेट खोते हुए पैवेलियन में वापस जाता
बहुत ही अच्छी बॉलिंग वहां पर नितेश की। स्पार्टन वॉरियर्स के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि टॉस के लिए आ जाए रुपेश। यहां पर पहले ही बल पे पहली विकेट हासिल करते हुए नितेश अपने टीम के लिए। अगला बल्लेबाज गुरु नितेश अपनी अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे गुरु। नितेश की अच्छी गेंद, अगली गेंद पे वाइड करा दिया एम्पायर ने और एक रन निकालने में कामयाब। एडम वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए नितेश पहले बॉल पे विकेट हासिल किया है शानिश की तरफ से। रजी की अच्छी शॉट लेकिन फील्डर उसके नीचे प्रशांत, सिर्फ एक ही रन निकालने में कामयाब। गुरु तैयार, देखते हैं नितेश क्या करवाते हैं। नितेश की अच्छी बॉलिंग डॉट कराते हुए बहुत अच्छी बॉलिंग नितेश की, सिर्फ एक रन, इस एक रन के बाद स्कोर जा पा चुका है 4 रन। बहुत ही अच्छी बॉलिंग वहां पर नितेश की और रन आउट का चांस और इसी बीच डायरेक्ट थ्रो और 2 रन निकालने में कामयाब। इस 2 रन के बाद स्कोर जा पा चुका है 6 रन। बहुत अच्छी बॉलिंग वहां पर नितेश की, फील्डर उसके नीचे, बहुत अच्छी कैच वहां पर शुभम की। एक ओवर में 2 विकेट निकालते हुए नितेश अपनी टीम के लिए सिर्फ 6 रन देके 2 विकेट निकाली है। अठारह गेंदों में 46 रनों की जरूरत किलर विल्स को।
अगला बल्लेबाज ईश्वर बॉलिंग करेंगे, अमर अठारह गेंदे और 46 रन जीतने के लिए किलर वेल्स को। गुरु की अच्छी शॉट लेकिन फील्डर उसके नीचे बाला, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और ये आसान सी कैच, अमर की अच्छी गेंद, पहले ही बॉल पे पहले विकेट निकालते हुए अपनी टीम के लिए। और गुरु आउट होकर वापस पहले रन की तरफ जाते हुए। अगला बल्लेबाज पुष्पा स्ट्राइक पर है, ईश्वर अमर अपनी दूसरी गेंद लेके ईश्वर को, पहले बॉल पे पहले विकेट हासिल किया अमर ने। और इसी बीच ऑफसाइड की तरफ बाहर रखते हुए गेंद वाइड करा दिया अंपायर ने। ईश्वर की अच्छी शॉट, वहां पर फील्डर तैयार, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर राहुल की, सिर्फ एक ही रन देने में कामयाब। पुष्पक तैयार और एक बहुत अच्छी शॉट, फील्डर ने बहुत अच्छी फील्ड करते हुए सिर्फ एक ही रन दिया है अपनी टीम के लिए। और इसी बीच तीन गेंद के बाद स्कोर जा पहुंच चुका है 9 रन। ईश्वर तैयार और अमर की अच्छी गेंद डॉट कराते हुए आखिरी 2 गेंदे। बहुत अच्छी शॉट, सिर्फ एक ही रन निकाले आखिरी गेंद दूसरे ओवर की। वहां पर फील्डर दौड़ते हुए सिर्फ 2 रन दिए है और इस 2 रन के बाद स्कोर जा पहुंच चुका है 12 गेंदों में 12 रन बनाए किलर विल्स ने। बारह गेंदों में 40 रनों का लक्ष्य, एक ओवर में सिर्फ 20 रन निकाले तो ही ये बन सकता है स्कोर। अगले गेंदबाज करेंगे तुषार, सामना करेंगे ईश्वर।
ईश्वर की अच्छी शॉट, लेकिन फील्डर उसके नीचे प्रशांत, और ये आसान सी कैच। तुषार की अच्छी गेंद, लेकिन फील्डर उसके नीचे, यहां पर कैच मिस करते हुए, बहुत ही आसान सी कैच थी, लेकिन वहां पर फील्डर ने मिस कर दिए कैच। अगली गेंद वाइड, और इस वाइड के बाद स्कोर जा पहुंच चुका है 14 रन। पुष्पक की अच्छी शॉट, सिर्फ एक ही रन निकाल ली। तीन ओवर के बाद स्कोर जा पा चुका है 18 रन। छह गेंदे और 34 रन जीतने के लिए किलर व्हेल्स को। आखिरी ओवर लेके भारत, उस वक्त की अच्छी शॉट, लेकिन फील्डर उसके नीचे अमर, और ये आसान सी कैच। वापस, और एक विकेट निकालते हुए भारत अपने टीम के लिए 2 गेंदों में 2 विकेट,
और यहां पर हैट्रिक का चांस भारत को। वाइड आखिरी दो गेंदे और इसके बाद सिटी थंडर ने यह मैच जीत लिया है।